तो गाइस इस टाइम बैठे हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटल मन्नत, जो ऑर्थो स्पेशल हॉस्पिटल है, वहीं पे हम अपनी सास मोम को लेकर आए थे वहीं, क्योंकि उनको जो है लेफ़्ट लेग भी जो है पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उनके टेस्ट वगैरह हुए और अभी इनको इंजेक्शन लगा हुआ है। और मैं भी देखिए, हम मतलब पूरी बिल्डिंग में, मतलब जो सेकंड फ्लोर है हम ही हैं वहाँ पे, और पेशेंट नीचे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमें ऊपर भेजा गया। तो देखिए सड़क के किनारे है और सेकंड फ्लोर पे हैं हम, और ये बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज आप मुझे देख रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं हूँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, मन्नत हॉस्पिटल है और ये मतलब ऑर्थो स्पेशलिस्ट जो है हॉस्पिटल है। और यहाँ पे हम जो है अपने सास मोम को चेक करवाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे सास मोम भी इंजेक्शन लगेगा और लेटाए हुए हैं उधर, और मेरे हस्बैंड भी साथ में बैठे हुए हैं और मेरे देवर भी आए हुए हैं और नीचे बैठे हुए हैं। डॉक्टर जी से कोई डिस्कशन हो रहा है उनका, तो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो, और हम जो है सेकेंड फ्लोर पर हैं। तो देखते हैं कितनी देर हमें इधर रहना पड़ता है। और सास मोम को मतलब लेफ्ट जो है लेग में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मतलब उनको काफ़ी गैप आ गया है। तो उनकी ट्रीटमेंट चलेगी, अभी देखते हैं क्या क्या होता है, दिखाते हैं आपको आगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बेड ही बेड लगे हुए हैं और यहाँ पे थेरेपी होती है, और थेरेपी वाले रूम में हमें भेजा गया है। और देखिए मैं ऐसे ही इधर उधर घूम रही हूँ। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि मोबाइल भी आजकल एक अच्छा टाइम पास हो गया है। और देखिए सासू माँ मेरे लेटे हुए हैं, अभी इनको जो है इंजेक्शन लगा हुआ है, अभी नर्सेज वगैरह आएंगी। तो देखिए नर्सें आ गई हैं और इंजेक्शन लगा रही हैं, और आपको पता है इनका काम है, अभी ये हमारी समझ से बाहर है तो हम इनको आराम से देख रहे हैं। तो इंजेक्शन लग चुका है अब, और ये इंजेक्शन थोड़ा सा हैवी इंजेक्शन है, इसके बाद मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी बोला है, कहीं चक्कर वगैरह ना आ जाए इसलिए रेस्ट करने के लिए बोला हुआ है। तो गाइस मतलब इसको ग्लूकोज, छोटी सी बॉटल है ग्लूकोज की, वो देखिए आपको सामने नज़र आ रही है, तो ये पूरी चढ़ जाएगी मेरी सासू मोम को, फिर उसके बाद फिर से रेस्ट करेंगे। कम से कम हम 1.5 घंटे के करीब यहाँ पर बैठे थे। तो गाइस देखिए मेरे हस्बैंड की नौटंकी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज हैं, मैं इनको वीडियो में नहीं लेके आती हूँ, जब लेके आऊँगी तो ये आपका हंसा के बुरा हाल कर देंगे। और देखिए मुझे इधर, मैं भी लेट गई हूँ, लेटे लेटे मुझे भी नींद आ रही है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी को फ़ोन आया था किसी का, और वीडियो कॉल आई थी, तो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, और मैं भी थोड़ी सी आगे हो गई और मैं भी देखने लगी कि किसका फ़ोन आया हुआ है, और इनके फ्रेंड थे, इनके साथ ही काम करते हैं, उनका फ़ोन आया था। तो गाइज़ आज छोटा सा ही ब्लॉग दिखाया था और अब चलती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बाय।